अब हम डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। सपोज एम मास का एक ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी में एयर मीडियम में एंटर हो रहा है। वी नो एयर मीडियम का एक एयर रेजिस्टेंस होता है। एयर रेजिस्टेंस मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एयर एक फोर्स अप्लाइड करता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लेट एयर मीडियम एफ फोर्स अप्लाइड करता है। सो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। लेट ऑब्जेक्ट पॉइंट बी में रेस्ट कंडीशन को आ रहा है। रेस्ट कंडीशन मीन्स ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो होगा। लेट पॉइंट ए में ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल वी है एंड पॉइंट बी में ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी कैपिटल वी इक्वल्स टू जीरो है। पॉइंट ए में ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है तो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी रहेगा। पॉइंट बी में ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो होगा। लेट पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस एस है। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक आने के लिए ऑब्जेक्ट में जितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है एंड ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस होगा। लेट दिस इज इक्वेशन वन। देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वेयर वी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, यू इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ए इक्वल्स टू एक्सिलरेशन एंड एस इक्वल्स टू डिस्टेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू स्मॉल वी है। एफ फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट डी एक्सिलरेट हो रहा है तो एक्सिलेशन इक्वल्स टू माइनस ए लेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू एस है। सो इक्वेशन ए बिकम्स जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस ए इंटू एस। दैट इम्प्लाइज जीरो इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस टू ए एस। दैट इम्प्लाइज टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी नो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। दैट इम्प्लाइज एक्सिलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। ए के प्लेस में एफ बाय एम पुट करेंगे तो टू इंटू एफ बाय एम इंटू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज टू इंटू वन बाय एम इंटू एफ इंटू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज टू इंटू एफ इंटू एस इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज एफ इंटू एस इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन वन वी नो एफ इंटू एस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दैट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। देन एक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 m/s। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। एम इक्वल्स टू 4 kg दिया है, वी इक्वल्स टू 2 m/s, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 × 2 × 2, 2 2 कैंसल, 4 × 2 इक्वल्स टू 8 जूल।